इंटरनेट इशू हो तो फिर मसला होता है, अदरवाइज तो कोई नहीं है। पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना, 5 से 6 लेट है। हाँ जी, तो मतलब ये सब लोग तो एडजस्ट हो रहे हैं 4 से 5 पे, तो आप भी थोड़ा सा अर्ली निकल आए। 45 डेज की तो बात है बस। फिर आप सर तैमूर से बात कर लीजिएगा, ठीक है? ओके जी। कोर्स आउटलाइन किधर गई? अच्छा, आज हम लोगों ने बात करनी है जो हमारी प्रोडक्ट है ना, बिजनेस मॉडल है हमारा FBA होलसेल। तो उसमें हम लोगों ने जिस बिजनेस मॉडल पे हम लोग बात कर रहे थे वो है FBA होलसेल, ठीक है? तो FBA होलसेल की आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया नोट डाउन कर लें सब लोग। ये मेरी शीट को क्या हो गया? सॉरी। हाँ जी, इसकी बेशक पिक्चर ले लें यहाँ से आप लोग। ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है जब आपके पास मेरा ईमेल है? अभी आप लोगों को जो जो चाहिए मैं कर देती हूँ। पाइथन किसी की भी नहीं मेल आई हुई भट्टी, ये वाली आपकी? ये आपकी? अच्छा, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ना वो सारा का सारा आपकी इंट्रोडक्शन था, ठीक है? अब हम सही से इसको डिस्कस करने लगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग प्राइवेट FBA होलसेल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? बेसिकली होलसेल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपने किसी होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से अकाउंट ओपन करना होता है, B2B अकाउंट, ठीक है? आपके लिए एक रजिस्टर्ड कंपनी का होना जरूरी है, आपके पास एक टैक्स नंबर का होना जरूरी है, ठीक है? ये दोनों चीजें आपके पास होंगी तो आप किसी ब्रांड से रابطہ कर सकते हैं। स्क्रीन तो शेयर है, अच्छा। आपको पता है पीछे मतलब नेशनल लेवल पे इंटरनेट का काफी इशू रहा है, उसकी वजह से भी इशू आ रहा था, तो कनेक्टिविटी तो यहाँ पर ठीक है। तो हम लोग FBA होलसेल की बात कर रहे थे कि आप लोगों ने ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से चीजें बल्क में बाय करनी होती हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो उसमें आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद होती हैं कि आप जो अपने इन्वेंट्री बाय की है उसको आप अपने वेयर हाउस में या अपने घर में रख के शिप करें, या आप अमेजोन का वेयर हाउस यूज करें, वहां पर अपनी इन्वेंट्री को सेंड कर दें। जब आपको ऑर्डर आएगा तो आप उसको सेल आउट कर देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हमने और दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस बिजनेस मॉडल में हम सिर्फ ब्रांडेड चीजें बेचते हैं, अनब्रांडेड नहीं।
मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आपने कोई लिस्टिंग ढूंढ लिया, आप उस तरह की सेम चीज चाइना से बनवा लें या चाइना से सोर्सिंग शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। आपने लोकली मतलब यूएसए से अगर आप लोग लिस्टिंग कर रहे हैं ना, सेलिंग कर रहे हैं, तो आपने उसी मार्केट से डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर या ब्रांड से चीजें लेकर उनको वहां पर अमेजोन पे सेल करना है। मीन्स आप ब्रांड के रीसेलर के तौर पर एक्ट करते हो। आपका बिजनेस क्या होता है? ऑनलाइन रीसेलिंग, ये आपका बिजनेस होता है। ठीक है, तो अब जाहिर है जब आपने इस तरह का बिजनेस करना है, उसके पीछे आपका प्रॉफिट मार्जिन भी काफी शॉर्ट होता है। तो मैंने कल आपको बताया था कि यूजुअली 15-20% होता है। ठीक है, लोग इससे ज्यादा प्रॉफिट की प्रोडक्ट्स भी सर्च करने की कोशिश करते हैं, और आपकी लक भी होती है कि आपको जो आपकी सोर्सिंग ब्रांड या होलसेलर है वहां से कितनी कम प्राइस पे चीज मिल गई है। तो जाहिर है सोर्सिंग प्राइस पे ही आगे बेस करेगी ना सारी कैलकुलेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने अमेजोन के ऊपर किस तरह की लिस्टिंग्स ढूंढनी है जो आपको प्रॉफिट देंगी। ठीक है, यहाँ पर इस बिजनेस मॉडल में आपका मार्केटिंग पे कोई पैसा नहीं लग रहा होता, आपने कोई पीपीसी नहीं चलानी होती, आपने ऑलरेडी रैंक्ड लिस्टिंग के अंदर जाके ब्रांड की कीवी लिस्टिंग के अंदर आपने चिपकना होता है, उसको मी टू लिस्टिंग कहते हैं। यहाँ पर आप कोई भी न्यू लिस्टिंग क्रिएट नहीं करते, ऑलरेडी लिस्टेड आइटम्स के अंदर जाके प्रोडक्ट को रीसेल करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि बीएसआर जो है आपका मैक्सिमम 50,000 तक हो। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था बीएसआर का कि जितना हम 1 की तरफ जाएंगे बीएसआर वुड बी गुड, जितना हम 1 से दूर जाते जाएंगे बीएसआर वुड बी बैड। हमारी जो मैक्स लिमिट होती है ना वो होती है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख के बाद जो बीएसआर वाली प्रोडक्ट्स होती है उनके ऊपर सेल्स वेलोसिटी काफी कम होती है, प्लस उनका जो रेटिंग होती है वो भी कम होती है। ठीक है, साथ साथ अमेजोन पे काम भी करते जाते हैं और ये चीजें ऑब्जर्व भी करते जाते हैं। बेस्ट सेलर रैंक, बल्कि इधर खोलते हैं और मैं साथ साथ अपना ये टूल्स भी ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए जो हम शेयरिंग पे टूल्स लेते हैं ना वो इस तरह से हमें मिलते हैं। उनकी वेबसाइट से हमें लॉगिन करना होता है और फिर हम यहाँ से यूज करते हैं। इधर अमेज़न खोल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी आप अमेज़न पे काम स्टार्ट करें आपने सबसे पहले लोकेशन चेंज करनी है, नहीं तो आपको बाय बॉक्स की प्राइस नजर नहीं आएगी। मुझे आपकी समझ नहीं, बात दोबारा बताएं। हम उसी लिस्टिंग के अंदर घुसते हैं, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप एक नई लिस्टिंग क्रिएट करें। हाँ जी, उसके अंदर होगा किसी में 10 सेलर होंगे, किसी में 5 होंगे। अब आपका क्वेश्चन ये है कि उस कंपटीशन के अंदर आपकी आपको बाय बॉक्स कैसे विन होगा। ठीक है, उसकी मैंने आपको 4 कंडीशंस बताई थी। आई विल रिपीट अगेन, आप एक अच्छे सेलर हो, आपकी रेटिंग अच्छी हो, आपको एफबीए सेलर होना चाहिए, एफबीए सेलर्स को एफबीएम सेलर से प्रायोरिटी मिलती है, आपकी रेटिंग अच्छी हो, आप ज्यादा ओल्ड सेलर हो। ठीक है, और चौथी कंडीशन क्या थी वो मैं हर दफा भूल जाती हूँ। हाँ जी, आपको बाय बॉक्स मिलेगा बट विद लेस परसेंटेज, आपको कम परसेंटेज के साथ मिलेगा। ये नहीं होगा कि आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे अगर आपके पास वहां पर पहले 5 FBA सेलर्स मिले हैं, उनकी रेटिंग अच्छी है, पुराने सेलर्स हैं, किसी को 50% मिल रहा है, किसी को 25% मिल रहा है, हो सकता है आपको 5% मिल जाए। हाँ, प्राइस चौथी कंडीशन प्राइस है, जिसकी सबसे लोएस्ट प्राइस होती है उसको ज्यादा बाय बॉक्स मिलता है।
आपके पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर आपकी सोर्सिंग आपको इतनी इजाजत देती है, आपका आप लॉस में नहीं जाते, तो आप जितनी मर्जी कम प्राइस कर लें, ठीक है? डिपेंड तो आपकी कैलकुलेशन पे करता है ना। अच्छा जी, आपने हमेशा जेनेरिक कैटेगरीज में जाना है, ठीक है? हम लोग ये डिपार्टमेंट्स है ना, इसके यहाँ से देख लेते हैं। ऐसे इसमें हम चलते हैं होम एंड गार्डन टूल्स, ठीक है? ये एक जेनेरिक सी कैटेगरी है। उसके बाद यहाँ पर उसने आके आपको फर्दर बता दिया, ये आ गए ना टूल्स, आ गए एक्सप्लोर, पेंटर फाइंडर, होम इम्प्रूवमेंट, पावर एंड हैंड टूल्स, किचन एंड बाथ फिक्सचर्स, कुकवेयर, हार्डवेयर। हम लोग ये कर लेते हैं होम इम्प्रूवमेंट टूल्स। ये मैं कैटेगरी सिलेक्ट करी हूँ जस्ट टू सी द प्रोडक्ट्स। ओके, ये होम इम्प्रूवमेंट टूल्स आ गए। अब आप ये देखें कि अभी भी मैं प्रोडक्ट पेज पे नहीं पहुंची हूँ, ठीक है? उसके अंदर आगे पावर एंड हैंड टूल्स, वर्किंग टूल्स, ऑर्गेनाइजर्स, लेडर्स, पैन, हार्डवेयर, स्मार्ट होम, इमरजेंसी सप्लाईज, पेंट एंड सप्लाईज। अब ये देखिए, इसमें से कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो बहुत बड़ी हैं, हैवी वेट है, मैं उन पे जा ही नहीं रही। पेंट एंड सप्लाईज, ये हल्की हल्की हो सकती हैं। किचन एंड बाथ फिक्सचर्स, इस पे चले जाते हैं। ये देखिए, मयरिंग वाली भी अच्छी थी, इसमें छोटी छोटी आइटम्स थी। ये देखें, जैसे ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर मोड हैंड हेल्ड शॉवर हेड, शॉवर हेड है जी हमारा। सपोज हमने इसको किया, ये बाथरूम फिक्सचर्स है ना। नेट का इशू है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें हम कर लेते हैं मयरिंग एंड लेआउट टूल्स। इसमें वो जो नहीं होती लंबे लंबे फीते नापने वाले, वो आ जाएंगे, ठीक है? अब हम इस प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। ये मैं आपको साथ साथ जो मैं आपको बता रही हूँ ना, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, साथ साथ मैं समझाती जाती हूँ आपको। नेट का तो नेशनल लेवल पर इशू है, अब इस पे मैं क्या कह सकती हूँ कि कब ठीक होगा। अच्छा जी, फर्स्ट क्राइटेरिया हमने ये पढ़ा था कि सब BSR 50,000 तक होना चाहिए, 1 से लेके 50,000 तक। अब हम इसका BSR चेक करेंगे। BSR आपको प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में मिलेगा, प्रोडक्ट ये देखें, ये आपके पास आ गई प्रोडक्ट डिटेल्स। यहाँ से आपको ये देखें बेस्ट सेलर रैंक नजर आ रहा है, ठीक है? BSR, इसका BSR है 104 इन इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, ठीक है? इसको ये BSR मिला है ड्यू टू वेरी गुड सेल्स वेलोसिटी, इसकी सेल्स बहुत अच्छी होगी। हम इसकी सेल्स चेक करते हैं जंगल स्काउट से। मैं जंगल स्काउट लॉग इन कर लूं, ये वाला। ये जो टूल्स होते हैं ये हमेशा प्रोडक्ट पेज के ऊपर रन होते हैं, ठीक है? खुल जाओ। खुल रहा है, वो थोड़ा सा टाइम लेता है। ये जब आप लोग खुद टूल्स यूज करेंगे ना, शेयरिंग वाले, उसमें आप लोगों को भी इसका विजुअल होना पड़ेगा। ये देखें, यहाँ पर ये जो ग्राफ और ये सारी चीजें शो हो रही है ना, ये शो हो रही है जंगल, क्विक व्यू देगी कि इसकी सेल कितनी है। नेट का भी इशू है ना, नेट बहुत स्लो है।
ये खुल गया, ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है, ठीक है। अब इसकी मंथली सेल आप देखें कितनी है, इसके एक मंथ में कितने यूनिट बिक रहे हैं, 17,607, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड सेल, इसी वजह से इसको इतना अच्छा BSR मिला हुआ है, इसकी सेल्स वेलोसिटी की वजह से, ठीक है। तो इसके अलावा जो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है वो आपको उसकी प्राइस बताएगी, उसकी मंथली सेल बताएगी, उसकी डेली सेल्स बताएगी, मंथली रेवेन्यू बताएगी। आप आगे इसको स्क्रॉल करें तो इसका जो रेटिंग नंबर है, फिर इसका जो देखिए रेटिंग कितनी है, 4.8 out of 5, मैक्सिमम रेटिंग कितनी होती है, 5, ठीक है, उसमें से 4.8 है। तो अच्छी रेटिंग क्या शो करेगी बताएं, उस पे कंप्लेंट बहुत कम है, उस पे रिटर्न बहुत कम है, कंप्लेंट बहुत कम है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सेटिस्फेक्शन है उसमें। उसके बाद उसका रैंक है और सेलर टाइप है FBA का, ठीक है। हो सकता है ये प्राइवेट लेबल हो, इसको हम चेक करते हैं, किधर गई ये। तो BSR आपको समझ आ गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अब दोबारा अपने क्राइटेरिया पे जाएं, रिव्यू मस्ट बी अबव 20, जो उसके ऊपर रिव्यूज हैं वो 20 से ऊपर होने चाहिए। ये इधर आप देखते हैं, आपको यहाँ पर नजर आ जाते हैं रिव्यूज, ये जो स्टार्स हैं ये रेटिंग शो करेंगे और ये रिव्यूज हैं, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रही, आपको आवाज आ रही है, नेट बार बार दो बार डिस्कनेक्ट हुआ है जिसकी वजह से इशू आ रही, आवाज आ रही है। तो आपको आवाज आ रही है तो मैं आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया बता रही हूँ ना। पहला क्राइटेरिया मैंने ये बताया कि BSR मस्ट बी 50,000 तक, जो मैक्सिमम है, ठीक है। 1 lakh तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन जाहिर है जितना BSR आगे जाता जाएगा, मैक्सिमम होता जाएगा, उतनी उसकी सेल्स वेलोसिटी बढ़ती कम होती। अटक टक की आवाज आ रही है, चलो उसकी सेल्स वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। वेलकम सैम, हमें ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल करना है इस बिजनेस मॉडल में। अब मैंने आपको ये बताया था कि इसमें हमारा पैसा कैसे बनता है, हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो बड़ा शॉर्ट होता है इसमें, ठीक है। हमारा पैसा तब बनेगा जब हमें बहुत ज्यादा सेल आएगी, ठीक है। अब 15-20% जो है प्रॉफिट मार्जिन वो इतना ही होता है कि हर प्रोडक्ट के पीछे आपको $2, $2.5, $3 इतने बच जाए हर यूनिट के पीछे, ठीक है। तो उस उनके पीछे आपके ज्यादा पैसे तभी बन रहे होंगे ना जब आपको ज्यादा सेल आएगी, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अच्छा BSR हम क्यों चूज करते हैं, ताकि हमारी सेल्स वेलोसिटी बढ़े, ये कनेक्शन है इसमें। रिव्यूज का भी सुन लिया, रेटिंग जो है मिनिमम 4 हो, 4 से नीचे नहीं आपने जाना, ठीक है, 4 से ऊपर ही जाना है, क्योंकि हमने उसको अपनी कंप्लेंट्स को रिटर्न्स को बहुत हद तक कंट्रोल करना है कि वो ना ही आए। प्राइस क्या होनी चाहिए, FBA होलसेल में प्राइस बहुत मैटर करती है, $15 to $40 या $50 मैक्स, इस ज्यादा वाली प्राइस पे नहीं जाना, $15 से कम वाली प्राइस पे नहीं जाना, $50 से ऊपर वाली प्राइस पे नहीं जाना। $15 से कम वाली प्राइस पे जाएंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना नैरो हो जाएगा, आपको सिर्फ सेंट्स में पैसे बचेंगे। इसमें खर्चा ज्यादा होता है ना, FBA फी ज्यादा होती है, प्रेप सेंटर की फी होती है, शिपिंग कॉस्ट आती है, ये सारी चीजें इसमें मैटर करी होती है। तो $15 से कम वाली प्राइस पर आप ना जाए। अब इसकी प्राइस है 5.99, ठीक है। अगर तो ये आपको सेंट्स में प्रोडक्ट सोर्स हो रही है तो शायद आपके खर्चे प्लस प्रॉफिट निकल आए, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको कम से कम ये सोर्स प्राइस या ब्रांड से अगर मिले भी तो ये $2, $2.5, $3 तक मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। तो वो उतनी के लेके तो आप 5.99 में तो नहीं बेच सकते। तो हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं हम यहाँ से कोई और प्रोडक्ट उठाते हैं, जैसे ये वाली है,
ठीक है। अब इसकी प्राइस है 26.99, आइडियल प्राइस है फॉर योर FBA, ठीक है। इसका BSR भी चेक कर लेते हैं कितना है। यहाँ पर इसका BSR शो हो रहा है 605, ठीक है। हमने मेन कैटेगरी में बता देखना होता है। देखिए ये तीनों चारों कैटेगरीज में आपका BSR शो हो रहा है ना, मेन कैटेगरी में इसका है 605। मेन कैटेगरी क्या है? टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। अब उसके अंदर टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट सब कैटेगरी, कंस्ट्रक्शन रूलर सब सब कैटेगरी, लेआउट टूल्स सब 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 कैटेगरी, उसके आगे फिर ये कैटेगरी। बहुत अच्छा है। मैंने आपको 50,000 बताया है। इवन अगर आपको 50,000 वाली प्रोडक्ट भी मिलती है ना, तो उसका BSR भी अच्छा है, ठीक है। इसका तो खैर बहुत ही अच्छा है। वन लैख से ऊपर वो बुरे हैं। ठीक है जी। अब देखिए इसके 4,111 यूनिट मंथली बिक रहे हैं, इट्स टू गुड, ठीक है। और डेली इसके 309 बिकते हैं, इसी वजह से इसका BSR इतना अच्छा है। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। Amazon मस्ट नॉट बी अ सेलर, ठीक है। इनफैक्ट जब आपने कोई प्रोडक्ट चेक करनी शुरू करनी है ना, ये आपके पास कीपा का होना चाहिए ग्राफ, ठीक है। कीपा की एक्सटेंशन मैंने आपको करवाई थी। अब जैसे सपोज मैंने ये प्रोडक्ट निकाली, मुझे अच्छी लगी, इसकी सेल्स बहुत अच्छी है, मैं इस पे जाके देखती हूँ। मैंने इस प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले इसको स्क्रॉल करके देखना है इसमें अमेजोन तो नहीं है एज अ सेलर, और मैंने 1 ईयर तक चेक करना है, ठीक है। अगर अमेजोन यहाँ पर सेल कर रहा होगा तो ये देखिए ये जो बाय बॉक्स है ना इधर, यहाँ पर नीचे न्यू के साथ एक अमेजोन भी नजर आएगा आपको ऑरेंज कलर में, और यहाँ पर अगर अमेजोन सेल कर रहा होगा तो यहाँ पर आपको ऑरेंज ऑरेंज लाइने या बॉक्स पूरा नजर आएगा। वो भी आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। तो फॉर्चुनेटली इसमें अमेजोन नहीं है, ठीक है। जिस प्रोडक्ट में अमेजोन सेल कर रहा होगा उस वो प्रोडक्ट हमारे लिए नेगेटिव है, ठीक है। उसको हमने फर्दर उसका कुछ भी एनालाइज नहीं करना, वो हमारे लिए नेगेटिव होगी। उसके बाद जो हमने चीज देखनी है वो है कि इसको कितने सेलर्स सेल कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इसको 2 सेलर सेल कर रहे हैं। हमने इसको ज्यादा क्लैरिटी के लिए चेक करना है OS से, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या चीज ऑब्जर्व करनी है कि Amazon इसको सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरे नंबर पर आपने चेक करना है कि इसको कितने सेलर्स चेक कर रहे हैं। मिनिमम 4 डिफरेंट सेलर्स होने चाहिए। अगर उसके अंदर एक सेलर है, जैसे यहाँ पर एक सेलर है पार्क प्रो टूल्स, वो FBA भी कर रहा है, वो FBA उसने 2 प्राइसेस के साथ ये लिस्टिंग लगाई भी, इसलिए उसमें 2 नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 2-4 डिफरेंट सेलर्स होने चाहिए। अगर 4 डिफरेंट सेलर्स हैं तो आप उसके अंदर मी टू लिस्टिंग कर सकते हैं, अदरवाइज वो प्राइवेट लेबल लिस्टिंग है। प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग में हम कभी नहीं जाएंगे, हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। जब तक हमें ब्रांड खुद परमिशन नहीं देगा सेल करने की, हम नहीं जाएंगे। तो Amazon को चेक करने के बाद आपने उसमें नंबर ऑफ सेलर्स चेक करने हैं, ठीक हो गया। नंबर ऑफ सेलर्स चेक करने के बाद आपने देखना है कि ब्रांड उसको खुद तो नहीं सेल कर रहा। आपको ब्रांड नेम कहाँ से पता चलेगा? पार्क कंट्रोल गेज, ये है ये जो फुट्टा सा होता है बिल्डिंग मटेरियल में नापने के लिए, ये वो है। अब यहाँ पर RAK लिखा हुआ है रैक, ठीक है। ये रैक यहाँ पे भी लिखा हुआ है रैक स्टोर, तो ये ब्रांड खुद सेल कर रही है, एक तो यहाँ से ऑब्जर्व होगा। तीसरी चीज,
ये जो आपके पास बाय बॉक्स है, बाय बॉक्स के बाय नाउ के बटन के नीचे आपको जिसके पास बाय बॉक्स होता है ना उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ नजर आ रही होती है, तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है रैक प्रो, ठीक है, ये ब्रांड है। तो ब्रांड इसको खुद सेल करा है, ये वैसे तो प्राइवेट लेबल लिस्टिंग ही है, लेकिन मैं आपको चेक करना बता रही हूँ कि आपने देखना है कि टाइटल में यहाँ पर और इस जगह पर अगर ब्रांड खुद सेल कर रहा है तो डोंट गो फॉर इट, उसको क्लोज कर दें और उसका कुछ भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। वेट मस्ट नॉट बी मस्ट बी लेस देन 5 LB एंड साइज टियर शुड बी स्टैंडर्ड। बहुत बड़ी बड़ी फैलाव वाली वेट वाली चीजें नहीं लेनी, कॉम्पैक्ट छोटी सी पतली सी चीजें ऐसी ढूंढें, ठीक है। वो आपको कैटेगरी से भी पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी में ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं। कैटेगरी शुड नॉट बी गेटेड, ऐसी कैटेगरीज जिसके अंदर आपको किसी भी किस्म के सर्टिफिकेशन की जरूरत हो उसमें मत जाएं। स्क्रीन तो चल रही है, पॉज शेयर रिज्यूम क्या क्या? हाँ जी। आपने सोच लिया है पक्का रदम ना लेके आपने फकी बेचनी ये आपका आखिरी फैसला है आप ऐसे करें फकी ना बेचे, आप मंजन बेचें, ठीक है। चलो जी, इसकी मैंने सबसे कहा था कि आप लोग पिक्चर ले लें, जब आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो आप लोगों को इसकी बार बार जरूरत आएगी पड़ेगी, ठीक है। हाँ तो नजदीक से कैंच वेरी जी गुड से आपका ये आप लोग ना रिक्वेस्ट करें ऑफिस में, क्योंकि मुझे ऑफिस से ही मना किया गया है, तो आप लोग ऑफिस में अगर रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ हाँ जी, तो आप लोग ऑफिस में बात कीजिएगा ना। सारे न्यू नंबर हैं तो हाँ मेरा जी, क्या हाँ निकला सब क्या। चले, अब हम करते हैं स्टार्ट से प्रोडक्ट हंटिंग। एक ऐसी प्रोडक्ट सर्च करते हैं आप लोगों के साथ जो वाकई होलसेल में हम सर्च कर लेंगे, ठीक है। मैंने इस स्क्रीन पर इसको खोला था क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्विक व्यू वगैरह की ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ऑलरेडी मैं तो एक दो बनाएंगे, जगह तो ये मामला होता तो पूछना पड़ता। यहाँ पर जब आप किसी प्रोडक्ट पेज पर जाते हैं ना तो आपको डीएस क्विक व्यू बहुत हेल्प करता है। अब आज पता नहीं शायद नेट का इशू है क्या है कि आपको व्यू ही नहीं दे रहा है, देखो क्योंकि जब डीएस क्विक व्यू चल रहा होता है ना यहाँ पर, तो बजाय एक एक प्रोडक्ट के अंदर आप जाके चेक करें, वो यहाँ पर ही आपको बता देता है कि इस प्रोडक्ट को कितने सेलर सेल कर रहे हैं, इसके अंदर FBA सेलर हैं, FBM सेलर हैं और Amazon है, वो यहाँ पर आपको बता देगा। तो आपने जस्ट हाँ ये वाला क्विक व्यू ये आपको बता रहा है ना, कोई ऐसी प्रोडक्ट खोलें जिसके अंदर ज्यादा सेलर हो, 4+ में हो। आप लोगों का जो नंबर ऑफ सेलर्स है मैं क्लियर कर दूं, FBA के लिए 4 मिनिमम, 4 मैक्सिमम 12, नहीं, मैक्सिमम 10 तक रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने ज्यादा सेलर्स होंगे आपका कंपटीशन उतना होगा, बाय बॉक्स उतना आपको कम मिलेगा। 4 से कम आपने इसलिए नहीं करने क्योंकि फिर वहां पर ब्रांड रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ये क्या हो रहा है? अच्छा ये आपके पास वो नहीं आ रही, क्विक व्यू नहीं है, ये हीलियम की लग रही है मुझे। नीचे करो, स्क्रॉल डाउन, ठहरो ठहरो, ऊपर थोड़ा।
थोड़ा सा ऊपर करें ना, और बस सर एफ बी ए फी बताई भी है, लिस्टिंग क्वालिटी साइज नहीं इसमें नहीं आ रहा, साइज वेट है, बी एस आर तो इसमें शो हो रहा है, इसमें शो मोड पे करो। वापस शो मोड पे देखना तो शायद आ जाए। अब ये देखिए मैंने एएमजी स्काउट ओपन किया है, एएमजी स्काउट भी एक फ्री टूल है, ये भी आपको हेल्प करेगा कि ज्यादा यहाँ से देखें नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है, नंबर ऑफ सेलर्स जिसके ज्यादा हैं, जैसे ये 3 है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को हम खोल लेते हैं राइट क्लिक से। हमने अपने काम को आसान करने के डिफरेंट वेज देखने हैं। आज मैं आप लोगों को सिर्फ फ्री टूल्स के साथ बताऊंगी, कल मैं आप लोगों को कीपा के साथ बताऊंगी, ठीक है। अब हमने इसको सेपरेटली ओपन कर लिया, अब इसमें 3 सेलर्स शो हो रहे हैं। हमने लास्ट जो चेक करना है ना फाइनल, वो ओएस से चेक करना है कि इसमें किस तरह के सेलर्स हैं, कितने नंबर हैं, क्योंकि यहाँ से कई दफा आपको सिचुएशन क्लियर नजर नहीं आती, यहाँ पर बेस्ट आपको नजर आ जाती है। सेलर एड ऑन स्टॉक के लिए ना आप चेक करते हैं, ये वाली एक्सटेंशन है। क्या है सेलर्स नहीं आ रहा ना, ये डीएस नहीं है, डीएस का सिर्फ इतना सा बॉक्स होता है। अब देखिए मैं 3 सेलर थे और ये तीनों ही डिफरेंट सेलर हैं, सो वी कैन गो फॉर इट, ठीक है। आपने जब भी सेलर्स चेक करने हैं आपने इसी एक्सटेंशन में चेक करने हैं, आपको उनका नेम नजर आ रहा है, क्वांटिटी नजर आ रही है, प्राइस, सेलर टाइप, उसकी रेटिंग, उसकी प्रोडक्ट की कंडीशन और वो कितने दिनों में डिलीवर हो जाएगी, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि क्या इसको अमेजोन सेल कर रहा है, तो हम कीपा पर आ जाएंगे, ठीक। कीपा का हमने 1 ईयर का डाटा चेक करना है, कीपा इसमें अमेजोन जो था वो है ही नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक नहीं है अमेजोन, इसमें अमेजोन कभी था ही नहीं, तो इट इज वेरी सेफ एंड साउंड प्रोडक्ट टू गो। फिर उसके बाद हमने इसका बीएसआर चेक करना है, बीएसआर हम चेक करेंगे जेएस से, जेएस इधर नहीं चलेगा, जेएस उधर चलेगा, वो मैंने इसीलिए दूसरे ब्राउजर पे ओपन किया, यहाँ पे मेरे पास है उसका अकाउंट यहाँ पे, बी एस आर इसका 250 है, ये मैंने एक और एक्सटेंशन लगाई भी इसकी वजह से मुझे यूं शो रहा है। एफ बी एम सेलर 0 है, एफ बी ए सेलर 3 है, कैटेगरी इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक है, ये फ्री है। इसका नेम क्या था, सेलर असिस्टेंट ऐप, ये मैंने आप लोगों को बताई तो थी, बताई थी, हाँ जी। अब देखिए इसकी जो मंथली सेल है वो 9894 यूनिट इसके सेल होते हैं, और बीएसआर हम इसका चेक कर चुके हैं, दोबारा यहाँ से देख लेते हैं, 250 उसने बताया सेलर ऐप ने, अब जीएस से भी देखते हैं, 245, ठीक है। आपके 2 एक्सटेंशन और 2 टूल्स बड़े ऑथेंटिक होते हैं, जंगल स्काउट और हीलियम, ठीक है, ये इनके रिजल्ट्स को ऑथेंटिक माना जाता है ज्यादा। अब देखिए आपकी क्या क्या चीजें पूरी हो गई, इसमें अमेजोन नहीं है, ठीक है, वो भी पूरा हो गया, इसमें 3 एफ बी ए सेलर है, 3 डिफरेंट एफ बी ए सेलर, वो भी आपका ओके हो गया। प्राइस क्या है, प्राइस इसकी थोड़ी सी कम है, अगर आप इसकी अच्छी सोर्सिंग कर लेते हैं देन यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि क्या ब्रांड इसको खुद सेल कर रहे हैं, एडोरिक स्टोर, एडोरिक है, डिजिटल कैलिपर, एडोरिक, यहाँ पर भी नेम आ गया है ब्रांड का, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर वो सेल नहीं कर रहा,
ठीक है, हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि क्या सेलर्स में एडोरिक है। ये देखिए, सेलर्स में एडोरिक खुद नहीं है, ब्रांड खुद इसको सेल नहीं करा, ना इसको अमेजोन सेल कर रहा है, ना इसको ब्रांड खुद सेल कर रहा है, सो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, तो इसकी तकरीबन सारी कंडीशंस मीट करी है, इसका बीएसआर बहुत अच्छा है, मंथली सेल्स बहुत अच्छी है, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, मतलब इसकी अच्छी सेल है तो ये फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, अमेजोन नहीं है इसमें, ब्रांड नहीं है। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने इस प्रोडक्ट का ब्रांड ढूंढना है, ठीक है, ताकि जाहिर है आपने प्रोडक्ट लेनी है कहीं से, सोर्सिंग करनी है, हमने इस लिस्टिंग के अंदर घुसना है, इसमें तीन सेलर है ना ऑलरेडी, हमने चौथा सेलर बनना है इसमें FBA, ठीक है, तो FBA सेलर बनने के लिए हमने दो काम करने हैं, हमने ये स्टॉक मैनेज करना है, हम ये स्टॉक कहाँ से लेंगे, या तो हम उस ब्रांड से लेंगे या इस प्रोडक्ट के होल सेल सप्लायर से लेंगे, तो वो हमने कहाँ से सर्च करना है। अब ये सारी चीजें इंटरलिंक हैं, इसको मिक्सअप ना करें, ठीक है, गूगल जाएं और ये कोई सा भी फ्री VPN इंस्टॉल कर लें, ठीक है, मेरे पास ब्राउजर है, मैंने इसको ऑन कर लिया और यूनाइटेड स्टेट्स कर लिया क्योंकि मैं वहां का ब्रांड या सप्लायर ढूंढना चाह रही हूँ। अगर मैं VPN के बगैर गूगल पे जाके सर्च करूंगी तो वो मुझे पाकिस्तान के बताने शुरू कर देगा, ठीक है, पहले नंबर पे मैं तो ये एडोरिक का सर्च करूंगी, यहाँ से मैंने नेम, ये मैंने ब्रांड नेम किया है, ब्रांड नेम वर्नियर कैलिपर नहीं है, ब्रांड नेम वर्नियर कैलिपर इस प्रोडक्ट का नेम है जी। कर लें, वैसे रिकॉर्डेड लेसन मौजूद है, आपको करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे भी है जी, वो आपको वहां से मिल जाएगा। अब ये देखिए, आपको डायरेक्ट वेबसाइट मिल गई है ब्रांड की, adoric.com, आप इसके ऊपर भी जाएं। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका नेम कॉपी करना है आपने, ब्रांड आपको मिल गई ना, उसकी वेबसाइट आपने खोल ली, अब हम चाह रहे हैं कि हम इसका होल सेल सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर भी ढूंढें, तो वो आपको इस ब्रांड नेम से नहीं मिलेगा, वो आपको प्रोडक्ट नेम से मिलेगा। ये क्या है, डिजिटल कैलिपर एडोरिक 0.6 इंच कैलिपर मेजरिंग टूल, इतना ही नाम इसका काफी है, उसमें ब्रांड नेम भी आ गया, उसकी जो थी स्पेसिफिकेशन के वो 0 to 6 inches का है, ठीक है, और क्या है, कैलिपर मेजरिंग कैलिपर है, तो हमने यहाँ पर जाकर गूगल में दोबारा से यहाँ पर उसको पेस्ट किया नेम को विद स्पेसिफिकेशंस, आगे हमने लिख देना है होल सेल सप्लायर USA। कंट्रोल वी, ठीक है, अब देखें हैंड हेल्ड, ये तो एड्स है, एड्स अक्सर आपको ना कर देंगी कंफ्यूज, डोंट गो फॉर एड्स। उसके बाद उसने सेम प्रोडक्ट का अमेजोन का लिंक दिया, ये हमने क्या करना है, ईबे का दिया है, ईबे को आप चेक जरूर करें कि अगर आपको कम प्राइस पर मिल रही है ना और आपकी कैलकुलेशन सही हो जाएंगी तो आप ले लें, ईबे से ले लें। उसके बाद है ये वाला होल सेल डिजिटल फ्रैक्शनल कैलिपर मेजरिंग टूल, इसको भी चेक कर लें, ये भी होल सेल सप्लायर है। जहां से भी आप सोर्स करें, ये देखें DHgate, ये चाइना की वेबसाइट है, डोंट गो फॉर इट, अलीबाबा ये भी चाइना की वेबसाइट है, इस पे आपने नहीं जाना, अली एक्सप्रेस पे नहीं जाना, कैनिक, अच्छा सपोज हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये तो ईबे था ना, ईबे पे कितने का मिल रहा है, ये 13.50 का, और अमेजोन पे 9 का, तो ईबे को तो फजूल है देखना, वो तो ज्यादा महंगा दे रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ब्रांड की वेबसाइट पर जाते हैं एडोरिक,
यह डॉरी की वेबसाइट है जिसका हमने 1 ईयर कैलिपर देखा था, टेम्पलेट्स, प्राइसिंग, ब्लॉग, अब ये देखें कि हमने एडोरिक लिखा था बट ये किसी और चीज का ब्रांड है, ठीक है, ये वो मेयरिंग टूल सेल नहीं कर रहा, ये कुछ और चीजें सेल कर रहा है जिसको सर्विसेज कहते हैं। तो आपने ध्यान से उसका रिलेटेड ब्रांड ही ढूंढना है। यहाँ से मैं दोबारा नेम इसको करती हूँ। अगर आपको फिर भी समझ ना ना है कि ये जो वेबसाइट मैंने सर्च की है ये एग्जैक्ट उसी ब्रांड की है, तो आप यहाँ से ये वाला जो लिंक है इसको राइट क्लिक से खोल के उस ब्रांड का वो स्टोर जरूर देखें जो उसने अमेजोन पे बनाया हुआ है, क्योंकि उसमें उसने उसी तरह का नेम ग्राफिक्स यूज किए हुए होंगे जैसे कि उसकी वेबसाइट पर होंगे। उससे आपको वेबसाइट और ब्रांड को मैच करने में बड़ी आसानी होगी। ये देखें, ये इस तरह का है एडोरिक जो हमने ढूंढा था, वो ब्लू कलर का था और वो डिफरेंट था। ये देखें, इसके पास इस तरह की चीजें हैं। अब हम दोबारा इसको ढूंढते हैं, एडोरिक स्टोरी लिख लेते हैं, एडोरिक लाइफ होम स्टोर बेडिंग किचन गैजेट्स, ये मुझे लग रही है। पहले हम adoric.com पर गए थे, ऐसे ही है ना, पहले हम इस पे चले गए थे adoric.com पे, अब ये है adoriclife.com। कितना टाइम लग रहा है ना इसको ओपन होने में। ये इसको हम बंद करेंगे, कई दफा इसको बंद करना पड़ता है तो फिर वेबसाइट ओपन होती है। ठीक है जी, ये आपको उस ब्रांड की वेबसाइट मिल गई है जिसका आपको वहां से मिला था। हमारे लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पर, जब हम ब्रांड की वेबसाइट ढूंढ ली है या आपने होलसेलर की वेबसाइट ढूंढ ली है, हमने सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि क्या ये होलसेल वेबसाइट है। ये तो ब्रांड की है ना, तो इसमें आपको ये डिटरमिन करने की जरूरत नहीं है। तो आपने यहाँ पर ब्रांड की वेबसाइट पर आकर सबसे पहले डिटरमिन करना है कि क्या ये यूएसए बेस्ड है। ठीक है, तो उसके लिए आप उसका सबसे नीचे स्क्रॉल करके कॉन्टेक्ट अस का पेज ढूंढेंगे। ये हर वेबसाइट के एंड पे लिखा हुआ होता है, ठीक है, और ट्राई टू फाइंड द एड्रेस। अब ये देखिए, एड्रेस तो नहीं मिल रहा लेकिन फोन नंबर आपको मिल गया है, तो +1 हमेशा अमेरिका का होता है, ठीक है, +1 अमेरिका का ही होता है, तो ये यूएसए की ही है, वो आपको यहाँ से भी नजर आ रहा था। अब उन्होंने कॉन्टेक्ट अस के लिए आपको ईमेल्स दी हुई है, फॉर बिजनेस ये वाली आप यूज करेंगे। ठीक है, जब आपने ब्रांड को रापता करना है कि हमें उससे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए जो हमने यहाँ पे फाइंड की थी, इधर गया माउस, ये वाली नहीं जी, हमारे तो वर्नियर कैलिपर है, ये वाली, ठीक है, ये हमने इनसे मांगनी है, तो हम जाहिर है उनसे कांटेक्ट करेंगे। उस कांटेक्ट में हम उनको क्या लिखेंगे, मेल में हम उनको लिखेंगे कि जी हमारा ऑनलाइन रीसेलिंग का बिजनेस है, हमारा अमेजोन के ऊपर स्टोर है और अपने स्टोर के लिए हमें आपसे कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है, तो क्या आप हमें होलसेल डिस्काउंटेड प्राइस पे ये प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर तो एग्री करेंगे आपको ओके की मेल कर देंगे, या अगर उनका कोई एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो सेंड कर देंगे, वो आपने प्रिंट निकाल के उसको भरना होता है, या आप उस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको एडोब कहते हैं, ठीक है, फोटोशॉप, एडोब रीडर होता है, फोटोशॉप होता है, एक राइटिंग के लिए भी होता है, उसको क्या बोलते हैं वो रेड से कलर, हाँ रीडर नहीं, खैर वो एक सॉफ्टवेयर मिलता है तो उसके थ्रू भी आप एडिट कर सकते हैं, या दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप उसको वर्ड में कन्वर्ट करके
तो उसको टाइप कर लें, हाँ वर्ड पे कन्वर्ट करके टाइप कर लें और फिर उसको दोबारा से पीडीएफ में करके तो उनको भेज दें। इस तरह भी लोग कर लेते हैं। पहले आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएंगे, वो एग्री करेंगे तो फिर आप पूछिए ना, फिर जब उनसे हो जाए कॉन्ट्रैक्ट तो फिर आप उनको कहेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए इतनी क्वांटिटी में, तो फिर आप उनसे वो आपको बता देंगे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, उसका वो SKU बताएंगे, जो उनकी फाइनल प्राइस होगी डिस्काउंटेड वो बताएंगे, और फिर जितने यूनिट आपने मांगे होंगे उसे मल्टीप्लाई करके उन्होंने आपको फाइनल प्राइस दे देनी कि हम आपको इतने में दे देंगे। दूसरी चीज आपने उनसे ये कंफर्म करनी है कि डू यू सेंड द प्रोडक्ट्स टू अमेजोन FBA वेयर हाउस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर FBA वेयर हाउस में चीजें डायरेक्टली नहीं भेजते, तो आपने ये ईमेल में लाजमी पूछना है। तो बहुत सारे जो ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अमेजोन का नाम सुनते ही आपको कह देते हैं नो वी डोंट मेक कॉन्ट्रैक्ट विद अमेजोन सेलर्स, तो इनकार कर देते हैं अगर कोई कर, उनकी मर्जी। हाँ जी, अगर आपकी प्रोडक्ट्स को प्रेपरेशन की जरूरत है, पैकिंग रीपैकिंग की, या आपने उसके ऊपर वो लेबल लगवाने हैं, तो फिर आपके पास दोनों ऑप्शन होती है कि आप अमेजोन का वेयर हाउस यूज करें या आप अपना इंडिविजुअल कर लें, ठीक है, कहीं से बाहर से कर लें, 3PL सर्विस ले लें, ठीक है जी। तो ये सारा इस तरह से प्रोसेस होता है कि आपने किस तरह से मैनुअल वे में जाके प्रोडक्ट हंट किया, अपने क्राइटेरिया को अप्लाई किया, सही है, क्राइटेरिया अप्लाई करना आ गया आपने। फिर मैं रिवाइज कर रही हूँ, फर्स्ट हैंड पे जब भी आपने कोई प्रोडक्ट ओपन करनी है तो आपने देखना है कि उसमें अमेजोन तो नहीं है, 1 ईयर का डाटा आपने चेक करना है, फिर आपने चेक करना है कि उसमें कितने सेलर्स हैं, देयर मस्ट बी थ्री कीपा कीपा, कीपा ये वाला फ्री है, हाँ कीपा पेड है, कल हम पेड वाले पे काम करेंगे, ठीक है। फिर आपने देखना है कि उसमें 3 डिफरेंट सेलर्स हो, सही है, 3 और 4, इनसे कम ना हो, और मैक्सिमम 12 बताए हुए हैं लेकिन 12 से आप नीचे ही रहे, अब इसमें 3 हैं तो वेरी गुड, प्लस इसका आपने BSR चेक करना है, BSR आप JS से भी चेक कर सकते हैं और नीचे स्क्रॉल करके भी कर सकते हैं, 250 लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो BSR है ये हर 2 घंटे के बाद चेंज होता है, जैसे अभी आपको 250 अभी नजर आ रहा है, कुछ देर के बाद आप देखेंगे तो ये चेंज होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, सेल्स वेलोसिटी पे, कभी सेल्स ज्यादा हो जाएगी तो हो सकता है ये 100 भी हो जाए, कम हो जाए तो ये फिर आगे को चला जाए, ऐसे होता है। मैम सेल्स ज्यादा हो तो नीचे आएगा, हाँ जी, सेल्स ज्यादा हो तो तो 1 की तरफ मार्जिन जाएगा, का फायदा होगा, सेल कम होगी तो दूर जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपने फिर इसकी रेटिंग चेक करनी है, इसके रिव्यूज चेक करने हैं, यहाँ से ये इसकी रेटिंग आपको यहाँ से मिलेगी 4.5 है, और इसके जो रिव्यूज हैं ये इतने हैं, इसमें ब्रांड खुद तो नहीं सेल कर रहा वो भी हमने देख लिया, इसकी हर चीज ओके है अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया जो मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक है जी। और ये वाला जो अभी हमने प्रोडक्ट हंटिंग का मेथड किया है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स सोर्सिंग। मैंने आप लोगों को शुरू में बताना भूल गई कि हम 4 तरीकों से FBA होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। नंबर 1 रिवर्स सोर्सिंग। रिवर्स सोर्सिंग में हम क्या करते हैं कि हम पहले प्रोडक्ट सर्च करते हैं, उसके बाद हम उसका ब्रांड या होलसेलर से रापता करते हैं और उसे चीजें मांगते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स सोर्सिंग, ठीक है। दूसरी होती है उसको कहते हैं डायरेक्ट सोर्सिंग, ठीक। डायरेक्ट सोर्सिंग में हम पहले ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर्स ढूंढते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं ईमेल के थ्रू, ठीक, और उनसे उनकी अकाउंट अप्रूव करवा के, होलसेल अकाउंट अप्रूव करवा के फिर उनसे उनकी प्रोडक्ट लिस्ट मांगते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट जब उनकी आ जाती है, प्रोडक्ट लिस्ट हमने कभी भी UPC कोड के बगैर नहीं लेनी। UPC कोड क्या होता है, प्रोडक्ट का नंबर, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होती है ना मार्केट में, बार कोड, ठीक है, बार कोड UPC के बेस पर होता है, या UK में उसको कहते हैं EAN नंबर,
और यूएसए में उसको बोलते हैं यूपीसी नंबर, ठीक है। अमेज़न के ऊपर न्यू लिस्टिंग यूपीसी या ईएन नंबर के बगैर नहीं होती, ये मस्ट है, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बट आप लोगों के अभी, चूंकि अभी आप लोग एफबीए होलसेल पढ़ रहे हो, इसमें तो आप लोगों ने करनी ही मीटू लिस्टिंग है, इसमें आपकी ऐसी वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। छोटी सी लिस्टिंग आएगी, उसमें आपने प्राइस बतानी है, क्वांटिटी बतानी है, एफबीए कर देना है और लिस्टिंग लाइव हो जानी है, बस ये करना है, ठीक है जी। तीसरा तरीका ये होता है कि आप सेलर की स्पाइंग करें, वो मैं आपको यहाँ से अभी बता देती हूँ। अब ये प्रोडक्ट हमें मिल गई ना बाय चांस, ठीक है, उसके बाद हमने ओएस पे जाना है। ओएस पे जाके जैसे हमारा ये एक सेलर था और ये एफबीए सेलर है, एफबीएम चूज नहीं करना, एफबीए सेलर विद गुड रेटिंग, ठीक है। हमने उसके ऊपर राइट क्लिक करनी है और इसका हमने स्टोर ओपन कर लेना है, ठीक है। आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा, ठीक है, ये वाला। इस पे सेलर की रेटिंग शो हो रही है, सेलर के बारे में जो फीडबैक है वो शो हो रहा है। यहाँ पर ये लिंक होगा विजिट द विंटर विन विंटर स्टोर फ्रंट, स्टोर फ्रंट के लिंक पर आपने जाना है। जब आप इसके स्टोर फ्रंट फ्रंट पर जाएंगे ना, तो आपको इसने जो प्रोडक्ट्स लगाई हुई है वो मिल जाएंगी। जी ठीक है। और प्लस आपके पास, आपने ये भी देख लिया कि वो किन ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है, वेडोरिक और एडोरिक लाइफ के साथ काम कर रहा है, उसके पास एक ही ब्रांड है। दूसरा, आपको ये समझ आ गई कि अगर मैं इस ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ होलसेल, तो मैं उससे क्या क्या चीजें ले सकता हूँ। अब सबसे पहले तो वही है वर्नियर कैलिपर, उसके बाद ये है, ये हुक है कोई, कैबिनेट लॉक, ठीक है। इसमें वन सेलर है, वन सेलर मतलब कि इसने ब्रांड खुद सेल कर रहा होगा। बट अगर हम ब्रांड की अप्रूवल ले लें और उसे ये चीज लेके इसी लिस्टिंग में घुस जाएं, तो क्या बुरा है, हम उसको ब्रांड की अप्रूवल के साथ ही बेचेंगे ना। क्यों अप्रूवल के लिए आपने कुछ पे नहीं करना, लेकिन जब आपने उसे स्टॉक परचेज करना है देन आपने पैसे देने हैं ना। आप उसी ब्रांड से ये भी ले सकते हैं, इसमें देखिए फोर सेलर्स बैठे हुए हैं, उसका जो एसिन है, मंथली सेल उसकी कितनी अच्छी है। ये वाला जो मेरे पास बॉक्स आ रहा है ना, यहाँ पे शो हो रहा है, ये जेएस की वजह से शो हो रहा है। और इसने आपकी जिंदगी देखें आसान कर दी है, कि अगर मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन देखनी होती तो मैं इसको पहले खोलती, फिर उसकी एक 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 चीज पढ़ती। तो जेएस ने मुझे यहाँ पर एक ओवरव्यू दे दिया, उसकी डेली सेल भी बता रहा है, ब्रांड बता रहा है, उसका बीएसआर बता रहा है, कैटेगरी बता रहा है, फर्स्ट टाइम वो कब लिस्ट हुई थी, 2018 में हुई थी, उसके बाद उसकी फीस कितनी है, ये एफबीए फी है, अगर आप एफबीए करते हैं तो उसने वो भी कैलकुलेट करके बता दी है। टीयर स्टैंडर्ड क्या है, उसका जो साइज है वो क्या है, स्टैंडर्ड लार्ज स्टैंडर्ड साइज है वो, ये वाली जो क्यूब्स है ना, ज़ाहिर है इतनी बड़ी होंगी, ठीक, तो ये लार्ज स्टैंडर्ड है। प्रोडक्ट वेट है 0.7 NLB। तो टोटल उसने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, ये सारी चीजें आप उस ब्रांड से अगर अकाउंट अप्रूव कर लेते हैं तो आप इन सारी प्रोडक्ट्स के अंदर घुस सकते हैं, मीटू कर सकते हैं। तो ये मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव समझा जाता है आर्बिट्राज में भी, ड्रॉप शिपिंग में भी, एफबी होलसेल में भी। इसको कहते हैं सेलर स्पाइंग मेथड, ठीक है। उसके बाद आप एक और स्पाइंग कर सकते हैं, स्पाइंग आपने करनी है ब्रांड की, ठीक है। जैसे हमारे पास ये वाली लिस्टिंग थी, हमने इस ब्रांड के स्टोर पर जाना है, यहाँ पर रखे फिर हमने राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जब हमने यहाँ पर ओपन किया था तो हमने सेलर का स्टोर ओपन किया था, अब यहाँ पर जब हम आए हैं तो हमने ब्रांड का स्टोर ओपन किया है विच इज अवेलेबल ऑन एमेजॉन, ठीक है। ये देखें इस ब्रांड का स्टोर है अमेज़ॉन के ऊपर, उसकी वेबसाइट नहीं है। तो आप इसके अंदर जब आ गए तो आपने देख लिया कि वाह, इसके पास तो बड़ी अच्छी चीजें हैं।
अब ये अमेजोन के ऊपर की गई लिस्टिंग्स है, अगर आपने इसकी लिस्टिंग चेक करनी है ना अमेजोन की, आप इस पर राइट क्लिक से खोलेंगे, ये खुल गई। फिर आप इसके अंदर जाके अपना क्राइटेरिया पुट करना शुरू कर दें। अच्छा इसकी प्राइस 12.99 है, इसमें कितने सेलर्स हैं, अच्छा इसमें एक ही सेलर है, यहाँ से देख लेते हैं। नेट इज वेरी स्लो, नीचे भी कुछ भी ओपन नहीं हो रहा। इसका BSR जो है 59,746 है, ठीक है, हमारे क्राइटेरिया से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन मैंने आप लोगों को इतना स्ट्रिक्ट और बाउंड नहीं किया गया, 50,000 तक ही रहे, आप 1 लाख तक भी जा सकते हैं, सही है, वहां तक भी सेल्स अच्छी ही होती है। तो इस तरह आप ब्रांड के स्टोर पे जाके भी फाइंड कर सकते हैं कि वो ब्रांड जिसकी आपने एक लिस्टिंग निकाल ली थी और वो आपको प्रॉफिट दे रही थी, तो वो उसके अलावा क्या क्या चीजें सेल कर रहा है अमेजोन के ऊपर। यहाँ पर देखें, होम में ये बेच रहा है, किचन में और होंगी, पर्सनल केयर पर और है, बेबी केयर, बेडिंग टूल्स, ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो अपनी वेबसाइट पे भी सेल कर रहा है, ठीक है जी, क्लियर। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, एक मैं आपको रिवीजन दे देती हूँ, एक छोटा सा रिकैप। हमने FBA होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग के 4 मेथड पढ़े हैं, डायरेक्ट सोर्सिंग, डायरेक्ट सोर्सिंग मैं आप लोगों को कल बताऊंगी कि वो कैसे करते हैं, डायरेक्ट सोर्सिंग, रिवर्स सोर्सिंग, सेलर स्पाइंग और ब्रांड स्पाइंग, ये 4 मेथड बताए, ठीक है। और उसके साथ मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया बताया है, BSR बहुत आगे वाला मत लें, 1 लाख से पीछे पीछे रहे, आइडियल आपके लिए है कि आप 50,000 तक रहें, उससे आपको ऐसी प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो कि फास्ट मूविंग होगी, जिनके ऊपर सेल्स वेलोसिटी बहुत अच्छी होगी, आपकी प्रोडक्ट FBA में जाके फंस नहीं जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद है कि जो उसके रिव्यूज हैं वो 20 से ऊपर हो, 20 से कम वालों पर ना जाए, वो बिल्कुल न्यू होंगी, रेटिंग 4 हो उससे नीचे ना हो, कि 3.5 है तो चलो कोई नहीं है, ऊपर वालों पर जाएं आप। Amazon must not be a seller, brand must not be a seller, ठीक है, और इसमें कम से कम 3 से 10 sellers हो, 4 से 12 वाले भी हो, ठीक है। और कैटेगरी जो है वो गेटेड नहीं होनी चाहिए, जेनेरिक कैटेगरीज में जाएं, जहां पर आपको किसी अप्रूवल की जरूरत ना हो, आपको सिर्फ एक अप्रूवल चाहिए हो ब्रांड की या होलसेलर की, ठीक है जी। और आज हमने रिवर्स सोर्सिंग की थी मैनुअली, कल हम कीपा के थ्रू भी करेंगे, ओके जी, थैंक यू। जीएसपी पेड वाले, वो फ्री है।